Swayam Prabha, Digital India, Educated India. नमस्कार प्रिय छात्रों एक बार फिर से मैं आपके सामने आज उपस्थित हूँ अपने इस कोर्स टाइटल अप्लाइड साइकोलॉजी यानी व्यवहारिक मनोविज्ञान के नवे सत्र के साथ लेक्चर नंबर नाइन जिसका टाइटल है इंट्रोडक्शन टू क्लिनिकल साइकोलॉजी यानी कि आज हम नैदानिक मनोविज्ञान का एक परिचय यहाँ पर प्राप्त करेंगे अपने इस सत्र में और वो कौन कौन सी महत्वपूर्ण बातें हैं जो क्लिनिकल साइकोलॉजी से जुड़ी हुई हैं और किस तरह से मनोविज्ञान नैदानिक क्षेत्र में यानी क्लिनिकल पर्सपेक्टिव में अपना योगदान करता है और इससे जुड़े हुए जो प्रोफेशनल्स हैं वो किस प्रकार से लोगों की जो मेंटल हेल्थ है उससे संबंधित जो लोगों की मेंटल हेल्थ है उससे संबंधित वो अपना योगदान देते हैं और किस प्रकार से वो ओवरऑल एक स्वस्थ समाज और एक बेहतर मेंटल हेल्थ सभी के लिए इंश्योर करने का प्रयास करते हैं तो इन सभी बातों पर आज हम चर्चा करेंगे और इससे पहले जब हम इस चर्चा को शुरू कर रहे हैं तो हमारे लिए ये जानना भी कुछ हद तक आवश्यक है कि मनोविज्ञान में मुख्य रूप से शुरुआती दौर से ही हमेशा ये देखा गया कि कहीं ना कहीं जो मेजर इंटरेस्ट रहा वो हमेशा जो लोगों का व्यवहार है जो बिहेवियर है उसमें जो एबनॉर्मैलिटीज़ हैं यानी उनमें जो समस्याएं हैं उनको लेकर के जो डिस्कशंस हुए हैं और जो हम कह सकते हैं कि बहुत पीछे से जब हम शुरू करते हैं बहुत पहले से जब हम इस बातचीत को जब हम हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में देखते हैं तो एक ऐसा दौर भी था जब लोगों के अंदर जो इस प्रकार की समस्याएं आती थी जो व्यवहारिक रूप से प्रकट होती थी जिसकी कहीं ना कहीं जो हम कह सकते हैं जड़ उनके मानसिक लेवल पर यानी उनके मेंटल लेवल पर वो हुआ करती थी तो आज से करीब 200 वर्ष पूर्व ये स्थिति जो आज है जब हम इन सभी परेशानियों को एक साइकोलॉजिकल परस्पेक्टिव में यानी एक मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से इसको देखते हैं तो आज से बहुत पूर्व ये ऐसा नहीं था और तब जो चीज़ें हो रही थी समाज में वो हम कह सकते हैं कि वो उन लोगों के लिए बहुत ही पीड़ादायक थी जो लोग खुद इस समस्या से गुजर रहे थे साथ ही साथ उनका परिवार जो उनसे जुड़ा हुआ परिवार है वो भी एक प्रकार से उसको बड़ी ही हम कह सकते हैं कि दीनहीन दृष्टि से देखा जाता था और उसके साथ एक अलग तरह का बर्ताव भी किया जाता था तो ऐसे में मनोविज्ञान के आने के बाद हम ये कह सकते हैं कि जो साइकोलॉजिकल प्रैक्टिसज हैं जो साइकोलॉजी के आने के बाद इस फील्ड में जो चेंजेस आए हैं वो हम कह सकते हैं कि काफ़ी हद तक बहुत ही प्रॉमिसिंग जो चेंजेस आए हैं और उसका एक बहुत ही पॉजिटिव रिज़ल्ट हमें देखने को मिलता है और हम ये तो दावा कभी नहीं कर सकते खास करके आज के समय में कि पूरी तरह से जो सिचुएशन है वो नॉर्मलाइज हो गई है और जो इस तरह की समस्याएं हैं उन पर पूरी तरह से कंट्रोल पा लिया गया है या फिर इनसे जुड़ी हुई जो टैबूज़ हैं सोशल टैबूज़ हैं या उनसे जुड़ी हुई जो लोगों के अंदर जो भ्रांतियां हैं या उससे जुड़ा हुआ जो लोगों के अंदर कहीं ना कहीं एक डिस्क्रिमिनेशन या उससे उसकी वजह से उपजा हुआ कोई ऐसा व्यवहार जिसकी वजह से लोग दूसरों से कट जाते हैं या उनके साथ थोड़ा गलत तरीके से व्यवहार करते हैं ये चीज़ें बिल्कुल ख़त्म हो गई हैं ये तो नहीं कहा जा सकता परंतु ज़रूर इन चीज़ों में बहुत हद तक बदलाव आया है और एक पॉजिटिव डायरेक्शन में जो चीज़ें बढ़ रही हैं आगे वो कहीं ना कहीं हमें ये एश्योरेंस देती हैं हमें कहीं ना कहीं ये हमारे लिए एक होप ऑफ लाइट है कि कहीं कही ना कहीं हम ये देखते हैं कि जो हमारे लिए इस प्रकार की जो आ, जो व्यवस्था है वो आगे चल करके हम इस फील्ड में लोगों को और बेहतर सुविधाएं दे पाएंगे उनके साथ और अच्छी उनको सर्विसेज़ मिलें साथ ही साथ वो इस प्रकार से अपनी जो नॉर्मल लाइफ है उसको वो फिर से अच्छे तरीके से उसका निर्वहन कर सकें और केवल वही लोग नहीं जो इससे प्रभावित हैं बल्कि उनके परिवार के लोग भी उनके दोस्त उनकी जो उनके आसपास के जो लोग हैं ओवरऑल सोसाइटी इससे बेनिफिटेड होगी तो हम अपने इस अगले टॉपिक पे पहुँचते हैं और वो है हमें ये जानना कि क्लिनिकल साइकोलॉजी यानी नैदानिक मनोविज्ञान क्या है और क्लिनिकल साइकोलॉजी के बारे में हम ये कह सकते हैं कि क्लिनिकल साइकोलॉजी इज़ अ फील्ड ऑफ साइकोलॉजी दैट इन्वॉल्व्स रिसर्च टीचिंग एंड सर्विसेज

अपने सभी प्रिंसिपल्स को हम कह सकते हैं कि उनको बनाने के लिए साइंटिफिक प्रिंसिपल्स का इस्तेमाल करता है या साइंटिफिक मेथड का इस्तेमाल करता है तो क्लिनिकल साइकोलॉजी भी उसी तरीके से साइंटिफिक प्रिंसिपल्स पर चलते हुए जो भी ह्यूमन बिहेवियर से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं या जो समस्याएँ हैं उनको उनके बारे में समझना यानी उनको सबसे पहले उनको एक्सप्लेन करना उसको अंडरस्टैंड करना उसके बाद उसको प्रेडिक्ट करना यानी कि ये जो प्रॉब्लम्स हैं ये क्यों हो रही हैं इसके पीछे के क्या कारण हैं वट आर द काजेज़ बिहाइंड दीज प्रॉब्लम्स उसके बाद इन समस्याओं को किस तरह से कम किया जा सकता है यानी हाउ टू एलिविएट दीज प्रॉब्लम्स यानी कि हम किस तरीके से लोगों को इन समस्याओं से निजात दिला सकते हैं या इन समस्याओं से उनको हम किस प्रकार से जो उनको जीवन में जो समस्याएं आ रही हैं जो उनकी ओवरऑल फंक्शनिंग में जो लाइफ में उनको तकलीफ़ें या दिक्कतें आ रही हैं उन सभी को हम किस प्रकार से दूर कर सकते हैं या कम कर सकते हैं ये सभी प्रयास क्लिनिकल साइकोलॉजी में किए जाते हैं यहाँ पर क्लिनिकल साइकोलॉजी के क्षेत्र में जो लोग कार्य कर रहे हैं वो शोध के रूप में भी इस क्षेत्र में काम करते हैं यानी शोधकर्ता के रूप में भी एक रिसर्चर के तौर पर भी उसके साथ ही साथ टीचिंग की फील्ड में यानी कि वो लोग इस फील्ड में रहकर टीचिंग के माध्यम से और अगली जनरेशंस को नेक्स्ट जनरेशन ऑफ स्टूडेंट्स को या नेक्स्ट जनरेशन ऑफ साइकोलॉजिस्ट को तैयार करते हैं ताकि वो आगे चल कर के साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स को इस्तेमाल करें और क्लिनिकल पर्सपेक्टिव में आगे चल करके अपना योगदान दें ताकि सोसाइटी के अंदर जो एक बहुत ज़्यादा डिमांड है इस समय मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स की उसकी भी आपूर्ति हो सके और साथ ही साथ जो डायरेक्ट सर्विसेज यानी क्लिनिकल सर्विसेज भी बहुत सारे लोग इस फील्ड में दे रहे हैं और ऐसे में जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं वो अपनी सर्विसेज यानी कि वो डायरेक्ट उन लोगों से संपर्क में होते हैं जो कहीं ना कहीं इन समस्याओं से जूझ रहे हैं या इस तरह की समस्याओं को फेस कर रहे हैं और ऐसे में जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं वो अपना रोल प्ले करते हैं अब यहाँ पर हम एक केस हिस्ट्री देखेंगे जहाँ पर कि आप ये टैग देख सकते हैं कि दैट होल्ड अ बॉल अंडर वाटर यानी कि इसका तात्पर्य ये है कि हम जब अगर आप एक बाल्टी पानी ले लें और उसमें एक गेंद ले लें आप बड़ी सी और उसको उस बाल्टी में अंदर की तरफ जब आप उसको धक्का देते हैं या पकड़ते हैं तो आप ये महसूस करते हैं कि वो गेंद बाहर आना चाहती है यानी कि जब तक आप उसे पकड़ कर रखेंगे जब तक आप उस पर प्रेशर डालेंगे तब तक वो गेंद अंदर रहेगी लेकिन जैसे ही आप उसे छोड़ेंगे वो पुनः बाहर आ जाएगी यानी कि उस प्रेशर के साथ वो वापस सरफस पर आ जाएगी तो हम ये देखते हैं कि इस केस स्टडी में एक इसी प्रकार का एक एग्ज़ाम्पल हम उसको कंसिडर करेंगे और इसमें यह होता है कि एक छोटी बच्ची जो जिसकी उम्र पाँच साल है वो अपने नेटिव कंट्री यानी वो एक एशियन कंट्री से वो थी और उसने अपनी फैमिली के साथ माइग्रेट किया यूरोपियन कंट्री में और वहाँ पर जाने के बाद वहाँ पर चूँकि उसके पहले वो बच्चा अपने नेटिव सेटिंग में यानी कि अपनी सोसाइटी में अपने कंट्री में अपने लोगों के बीच में थी और वहाँ से अचानक से उसको स्थानांतरित किया जाता है और इसका रीज़न ये है कि उसका परिवार वहाँ पर बेहतर अपॉर्चुनिटीज की तलाश में गया था तो ऐसे में जब वो बच्चा वहाँ पहुँचता है उसके लिए ये बहुत ही एक चैलेंजिंग सिचुएशन है हम कह सकते हैं कि बहुत हद तक वो बच्चा इस स्थिति को पसंद नहीं कर रहा है उसके लिए ये बहुत पीड़ादायक है क्योंकि वो अभी तक जिस वातावरण में रह रही थी वो बच्ची वो जिस वातावरण की आदती हो चुकी थी वो सभी चीज़ें उससे दूर हो गई और अचानक से एक नए वातावरण में हम कह सकते हैं एक एलियन एनवायरनमेंट में उसको ला करके के रख दिया और ऐसे में उसके ऊपर और दुखों का पहाड़ टूटता है जब एक साल बाद उसके पिता का देहांत होता है यानी कि वहाँ जाने के बाद उस फैमिली के ऊपर से एक बहुत बड़े जो हम कह सकते हैं कि एक जिम्मेदार मेंबर का भी वहाँ से लॉस होता है और ऐसे में वो जो बच्ची है वो इस अभी इस लॉस से या अभी इस माइग्रेशन के हम कह सकते हैं ट्रॉमा से अभी उभरी भी नहीं थी कि उसको ये एक और बहुत बड़ा ट्रॉमा उसको वहाँ पर झेलना पड़ा अब ऐसे में उस बच्चे की जो मानसिक हालत थी वो बहुत ज़्यादा हम कह सकते हैं डिस्टर्ब हो गई और वो बच्चा अंदर ही अंदर इस चीज़ को लेकर के घुटता रहा और इसकी वजह से पीड़ा में रहा और आगे चल करके वो बच्चा उसकी फैमिली वहीं रहे वहाँ पर उन्होंने किसी तरीके से सर्वाइव किया काफ़ी मेहनत और मशक्क़त के बाद और ऐसे में इस पूरी घटनाक्रम में हम ये देखते हैं कि जब वो बच्ची आगे बड़ी होती है और फिर वो शादी करती है और उसके बाद उसकी अपनी फैमिली होती है इस पूरे दौर तक वो बच्चा अभी भी उस मेंटल ट्रॉमा को कहीं ना कहीं अपने अंदर दबाए हुआ है और वो उस चीज़ से आज तक उस पीड़ा से आज तक बाहर नहीं आ पाया है और ऐसे में जब उस बच्चे को यानी जो अब एक महिला बन चुकी है उसको जब ये लगने लगता है कि मेरे लिए अब जीवन में इन चीज़ों को रोक पाना जो विचार मेरे अंदर आ रहे हैं जो एक नेगेटिव थॉट्स नेगेटिव फीलिंग्स मेरे अंदर कंटिन्यूसली हैं उसको अब बियर करना उसको फेस करना या उसको बर्दाश्त करना अब उसके कंट्रोल के जब बाहर हो जाता है तब वो महिला अपने डॉक्टर से ये बात बताती है यानी कि जो डॉक्टर जनरल फिजिशियन जिसके पास उसकी फैमिली जब भी किसी समस्या में होती है तो वो वहाँ जाती है तो वो उस डॉक्टर के पास जब जाती है तो वहाँ पर वो उसे अपनी ये समस्या बताती है पहली बार क्योंकि अब उसे ये लगता है कि अब मैं अपने इस समस्या को नहीं रोक पाऊंगी या इसको मैं अब बर्दाश्त नहीं कर सकती तब जा कर के जब वो इसको रिपोर्ट करती है तो उसका जो डॉक्टर है उसको तुरंत ये बात समझ आ जाती है कि ये एक साइकोलॉजी का केस है यानी कि यहाँ पर उस महिला को जो प्रॉब्लम है वो मेंटल हेल्थ से संबंधित है और यहाँ पर कोई मेडिकल डायरेक्ट ट्रीटमेंट उसको नहीं दिया जा सकता इसके लिए उसको मेंटल हेल्थ सर्विसेज की आवश्यकता है तो वो वहाँ पर उसे रेकमेंड करता है एक प्रोफेशनल एक्सपर्ट के पास जो कि एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है और कहीं ना कहीं वो उसे एक ऐसे एक्सपर्ट के पास रिकमेंड करता है जो एशियन मूल की ही है और इसके बाद जब ये महिला उस एक्सपर्ट के पास पहुंचती है तो शुरू में इसके पास बहुत सारी शंकाएं होती हैं उसे ये लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि जो मेरी समस्याएं हैं उनको यहाँ पर पूरी तरह से समझा ना जा सके या कहीं ऐसा ना हो कि मेरी जो बातें मैं यहाँ बताऊँगी वो पब्लिक हो जाएं या इसके बारे में जब दूसरे लोगों को पता चल जाएगा तो वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे इस तरह की बहुत सारी शंकाएं उसके मन में थीं शुरुआती दौर में लेकिन जब वो महिला वहाँ पहुँचती है और वो देखती है कि वो जो एक्सपर्ट है वो भी एक महिला है और साथ ही साथ जब उसे उसके बैकग्राउंड के बारे में ये पता चलता है कि वो भी एशियन मूल की ही है तो वहाँ पर थोड़ा सा उसके अंदर कॉन्फिडेंस आता है उसे ये लगता है कि एक महिला होने के नाते और उसी कल्चर को बिलोंग करने के नाते शायद ये मेरी समस्याओं को बेहतर तरीके से समझेगी और उसके बाद वो उस एक्सपर्ट में अपना ट्रस्ट दिखाती है और उसके बाद कई सेशंस के बाद यानी कि उनका ये जो मुलाकात है जो पहली जो उनकी ये हम कह सकते हैं मीटिंग है ये मीटिंग कई बार हुई और ऐसे करीब 25-30 सेशंस के बाद उस महिला को कहीं ना कहीं अब ये लगने लगा कि उसके अंदर जो समस्याएं थी उसके अंदर जो प्रॉब्लम्स अभी तक उसने दबाए हुए थी वो सभी कहीं ना कहीं अब उनसे वो बेहतर तरीके से कोप कर रही है यानी कि वो उस परिस्थिति से बहुत अच्छे ढंग से अब मैनेज कर रही है चीज़ों को तो वो अपने इस पूरे इंटरव्यू के दौरान या अपने इस पूरे सेशन के दौरान जो एक्सपर्ट के साथ उसका होता है उसमें वो इस बात पर जोर देती है और वो ये उसे बताती है कि द होल एक्सपीरियंस विच आई हैव टिल नाउ यानी कि अभी तक मुझे जो अनुभव हो रहा था वो ठीक इस प्रकार से था जैसे हम बाल्टी में किसी गेंद को रोकने का प्रयास करते हैं दबा के और जैसे ही हम उस प्रेशर को छोड़ते हैं वो गेंद तेजी से बाहर आती है तो मैं अब उसी तरह का रिलैक्स महसूस कर रही हूँ क्योंकि इसके पूर्व तक मैं लगातार उस तनाव में थी लगातार उस प्रेशर में थी और इस एक्सपीरियंस के बाद उस महिला को अपने आगे के जीवन में बहुत हम कह सकते हैं कि एक बेहतर जीवन जीने में एक अच्छा जीवन जीने में उसे बहुत अच्छा सहयोग मिला उस एक्सपर्ट के द्वारा तो यहाँ इस पूरी जो ये केस स्टडी हमने देखी इसमें ये जो पर्टिकुलर जो महिला जो एक्सपर्ट है वो एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट थी यानी कि वो साइकोलॉजी के जो नॉलेज है जो प्रिंसिपल्स हैं जो थियोरीज हैं उसको वो प्रैक्टिस कर रही है और वो उस क्षेत्र की एक एक्सपर्ट है और उसके नाते वो उन सभी लोगों की हेल्प करती है जो एज अ क्लाइंट या एज अ पेशेंट उसके पास आते हैं तो हम ये देखते हैं कि क्लिनिकल साइकोलॉजी की जो अभी हमने बातचीत की थी कि ये किस प्रकार से मनोविज्ञान का एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर कि हम लोगों को उनकी समस्याओं से उनकी मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम से निजात दिलाने में उनकी हेल्प करते हैं इसके बाद मेंटल हेल्थ से ही संबंधित कि मेंटल हेल्थ कितना इम्पॉर्टेंट इश्यू होता है और कई बार हम इसे इग्नोर कर जाते हैं या फिर हमारा इस पर उचित ध्यान नहीं जाता जबकि ये अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रॉब्लम हो सकती है अगर इसको ना सही समय पर समझा जाए तो ये आगे चल करके और ज़्यादा दिक्कतें कर सकती है और जो नॉर्मल फंक्शनिंग है एक व्यक्ति की उसको भी प्रभावित कर सकती है और डब्लू एच ओ की एक 2008 के सर्वे के अनुसार ये देखा गया कि जो मेंटल हेल्थ की समस्या है वो सिंगल लार्जेस्ट कॉज है डिसेबिलिटी का और डेवलप्ड वर्ल्ड में जो अदर मेडिकल प्रॉब्लम्स हैं यानी जो समस्याएं डिजीज़ जो हैं उसमें जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है वो मेंटल हेल्थ के केसेस का होता है और यहाँ पर हम इसको अगर फिगर में देखें तो मेंटल हेल्थ का जो रेशियो है वो मोर देन ट्वेंटी परसेंट है यानी मेंटल हेल्थ संबंधी समस्याएं जो हैं डेवलप्ड कंट्रीज़ में डब्ल्यू एच ओ की इस रिपोर्ट के अनुसार वो मोर देन ट्वेंटी परसेंट हैं जबकि जो कार्डियोवेस्कुलर डिजीज़ हैं वो लगभग सोलह परसेंट के आसपास सारी समस्याओं में सोलह परसेंट के आसपास जो समस्याएं हैं वो कार्डियोवैस्कुलर रिलेटेड हैं और कैंसर रिलेटेड जो डेटा आया था वो था कि पंद्रह परसेंट तक के जो केसेस हैं जो डिजीजेज हैं उसमें केसेस जो कैंसर से संबंधित होते हैं वो पंद्रह परसेंट होते हैं तो यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि मेंटल हेल्थ से संबंधित जो समस्याएं हैं या जो प्रॉब्लम्स हैं वो कितनी ज़्यादा हैं और ऐसे में ये अपने आप में एक बहुत बड़ा हम कह सकते हैं कि एपिडेमिक के तौर पे हम इसको देख सकते हैं और कहीं ना कहीं इस पर ध्यान दिया जाना बहुत ज़रूरी है और इसमें भी पर्टिकुलरली अगर हम देखें तो डिप्रेशन यानी कि जो अवसाद है वो सात परसेंट टोटल केसेस में टोटल मेंटल जो हेल्थ uh, से रिलेटेड जो समस्याएं हैं जिसकी हमने अभी बात की जो बीस प्रतिशत से अधिक है उसमें से सात प्रतिशत यानी कि एक बहुत बड़ा भाग डिप्रेशन का है यानी कि डिप्रेशन एक बहुत ही बड़ी समस्या है और मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स में भी जो अन्य समस्याओं में डिप्रेशन सबसे गंभीर समस्या है जिससे कहीं ज़्यादा लोग जूझ रहे हैं इसके बाद हम एक और बात पर यहाँ ध्यान देते हैं और वो ये है कि दैट पीपल हु आर एक्सेसिंग मेंटल हेल्थ सर्विसेज यानी कि वो लोग जो मेंटल हेल्थ सर्विसेज की तलाश कर रहे हैं या उसकी सेवा उनकी उनको ज़रूरत है या वो उसको सीक आउट कर रहे हैं ऐसे लोगों की संख्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही है और एक सर्वे के अनुसार ये जो पॉपुलेशन में जो एग्जिस्ट जो प्रेवलेंस है मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स का वो वन इज़ टू सिक्सटी एट है यानी कि हर सिक्सटी एट परसन में एक व्यक्ति को मेंटल हेल्थ से संबंधित समस्या होने का अनुमान लगाया जाता है अब यहाँ पर शुरुआत में जब इसके पहले ये सर्वे आया इसके पहले के जो सर्वेज थे उसमें कहीं ना कहीं ये डेटा और कम था यानी कि लगभग 140 लोगों में से एक व्यक्ति को मेंटल हेल्थ समस्या होने का अनुमान था और ये आज जो सर्वे है उसके अनुसार ये बढ़ कर के अड़सठ लोगों में से किसी एक व्यक्ति को ये होने का अनुमान लगाया जाता है लेकिन यहाँ पर हम ये देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं दिमाग में ये बात या ये सवाल आ सकता है कि क्यों आ, ये ज़्यादा जो समस्याएं हैं मेंटल हेल्थ से संबंधित ये बढ़ रही हैं या फिर लोगों को इस प्रकार की जो समस्याएं हैं वो क्यों हो रही हैं इतनी ज़्यादा तो इसके लिए पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ सभी विद्यार्थियों को कि जो रेशियो हमें बढ़ावा दिख रहा है ये तत्कालीन हम ये कह सकते हैं कि आज या अचानक से कोई एक ऐसी घटना नहीं है या कोई ऐसा बहुत बड़ा बदलाव नहीं आ गया है जिसकी वजह से ये हमें बढ़ते हुए केसेस दिख रहे हैं इसका जो एक प्रमुख कारण जो बताया गया है वो ये है कि पहले के दौर में लोग इस तरह की समस्याओं को ज़्यादा रिपोर्ट नहीं करते थे यानी कि वो मेंटल हेल्थ सर्विसेज की तरफ नहीं जाते थे और कहीं ना कहीं वो इन समस्याओं को खुद में ही दबा के रखते थे या इसको सभी के साथ शेयर नहीं करते थे चाहे वो खुद उनके फैमिली मेम्बर्स ही क्यों ना हो और हेल्थ एक्सपर्ट के पास जाने की तो बात बहुत दूर है वो ऐसी किसी भी बात से भी इनकार करते हैं यानी वो इसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहते और पहले के समय में एक्सपर्ट करने के एक्सेप्ट करने के बाद भी कहीं ना कहीं उनके अंदर ये झिझक होती थी कि अगर हमने इस बात को किसी के सामने कह दिया तो लोग हमारे बारे में क्या समझेंगे और अगर हम इस समस्या को कहें भी तो हम किसके पास जाएं इस प्रकार की जो अवेयरनेस थी वो भी पहले के समय में इन चीज़ों का अभाव था तो ऐसे में अब जो बेहतर मेंटल हेल्थ सर्विसेज अवेलेबल हैं या जो एक्सपर्ट्स इस फील्ड में जो अवेलेबल हैं इस वजह से और लोगों को इसके बारे में जो अवेयरनेस है या इसको लेकर के उनके अंदर जो झिझक कम हुई है और इसकी रिपोर्टिंग की जो टेंडेंसी बढ़ी है कहीं ना कहीं ये जो नंबर्स जो बढ़े हुए नंबर्स हैं कि अब 68 लोगों में ही किसी एक व्यक्ति को मेंटल हेल्थ सर्विस की आवश्यकता पड़ रही है तो इस प्रकार का जो ये बढ़ा हुआ रेशियो हमें देखने को मिल रहा है कहीं ना कहीं उसके पीछे ये भी सब कारण हैं इसके बाद हम देखते हैं कि मेंटल हेल्थ से संबंधित जो समस्याएं हैं वो न केवल एक व्यक्ति को यानी वो जो इंडिविजुअल है जो उस समस्या से जूझ रहा है बल्कि उसके साथ ही साथ उसकी फैमिली और जो पूरी सोसाइटी है उसको और साथ ही साथ इकोनॉमी ये सभी को नेगेटिवली प्रभावित करती है यानी कि जो इंडिविजुअल होगा उसको अपने जीवन में तो समस्याएं आएंगी ही यानी वो लोगों के साथ जिस तरीके से अपने रिलेशंस रखना चाहता है वो किस तरीके से अपनी जीवन में जो एक्टिविटीज़ करना चाहता है चाहे वो उसके वर्क प्लेस से संबंधित हो चाहे वो उसकी पर्सनल लाइफ से संबंधित हो उसको हर प्रकार की एक्टिविटी में अपनी नॉर्मल फंक्शनिंग में उसको दिक्कत का सामना करना पड़ता है और साथ ही साथ उस व्यक्ति से जुड़े हुई जो उसकी फैमिली है वो भी कही न कहीं ना कहीं डिस्ट्रेस में आती है यानी वो भी उसकी समस्या की वजह से तनाव में रहती है या किसी प्रकार का वहाँ पर भी समस्याएँ वो भी इससे महसूस करते हैं तो पर्सन तो सफ़र करता ही करता है साथ उसकी फैमिली भी सफ़र करती है और इसके बाद वो व्यक्ति अपने वर्क प्लेस पर भी अपना पूरा योगदान नहीं दे पाता और समाज में जो उसका रोल है वो उसको भी बेहतर ढंग से नहीं निभा पाता तो ऐसे में जो ओवरऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो भी बहुत हद तक प्रभावित होती है क्योंकि ऐसे में जो हमारी जो एक प्रोडक्टिव पॉपुलेशन है उसकी संख्या कम होती है और ऐसी पॉपुलेशन जो ऑलरेडी डिस्ट्रेस में है उसकी संख्या बढ़ती है तो इकोनॉमी पे भी इसका एडवर्स इम्पैक्ट पड़ता है तो ऐसे में ये जो सभी समस्याएं हैं मेंटल हेल्थ से संबंधित इनको एड्रेस किया जाना बहुत ज़रूरी है और इसकी वजह से जो होने वाले नुकसान हैं चाहे वो इंडिविजुअल लेवल पर हों चाहे वो फैमिली लेवल पर हों चाहे वो सोसाइटी के लेवल पर हों चाहे वो इकोनॉमी के लेवल पर हों इन सभी पे अगर उचित ध्यान दिया जाएगा तभी हम इन सभी लेवल्स पर लोगों को एक बेहतर जीवन और एक बेहतर विकल्प दे सकेंगे इसके बाद एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट है जो मैं आपको यहाँ शेयर करना चाहता हूँ और वो ये है कि जब हम सोसाइटी की बात करते हैं तो यहाँ पर अक्सर हम ये पाते हैं कि जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं और जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनके बीच में कई बार ये डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं कि वहाँ पर जो मेंटल uh, हेल्थ से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स के जो केसेस हैं वो ज़्यादा आ रहे हैं कंपेयर टू uh, जो डेवलपिंग uh, कंट्रीज़ हैं लेकिन इसके अलग अलग uh, हम कह सकते हैं कि एक्सप्लेशन्स दिए जाते हैं जिसमें एक एक्सप्लेंेशन ये होता है कि चूँकि डेवलप्ड कंट्रीज़ में वहाँ पर जो अवेलेबल जो रिसोर्सेज हैं या जो सर्विसेज़ वहाँ पर अवेलेबल हैं और जो अवेयरनेस लेकर के वहाँ पर इस इन चीज़ों को लेकर के जो अवेयरनेस का लेवल है वो काफ़ी ज़्यादा है तो इस वजह से वहाँ पर लोग इन चीज़ों को रिपोर्ट करने में झिझकते नहीं हैं या उनके पास बेहतर अवसर होते हैं इस तरह की समस्याओं को रिपोर्ट करने के लिए और मेंटल हेल्थ सर्विसेज उनको ज़्यादा रेडली अवेलेबल हैं उनको आसानी से उपलब्ध हैं तो इसलिए इस तरह के केस वहाँ पर ज़्यादा सामने आते हैं जबकि डेवलपिंग कंट्रीज़ में ये इस तरह की जो चीज़ें हैं वो उपलब्ध नहीं हैं यानी ये सर्विसेज उस स्केल पर उपलब्ध नहीं हैं और इन चीज़ों को लेकर के लोगों के अंदर उतनी अवेयरनेस भी नहीं है इस वजह से बहुत सारे लोग रिपोर्ट नहीं करते तो ये ये एक पहलू है इस बातचीत का और इसका एक दूसरा जो एक्सप्लेनेशन है या पहलू है वो ये है कि जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं स्पेशली यूरोप और अमेरिका ये जो कंट्रीज़ हैं ये इंडिविजुअलिस्टिक कल्चर को फॉलो करती हैं और जो एशियन कंट्रीज हैं ये कहीं ना कहीं कलेक्टिविस्ट कल्चर को फॉलो करती हैं और इस इंडिविजुअलिस्टिक कल्चर और कलेक्टिविस्ट कल्चर यानी कि इंडिविजुअलिस्टिक और कलेक्टिविस्ट ये जो दोनों ही प्रकार की जो कल्चर हैं इसमें इंडिविजुअलिस्टिक कल्चर इस बात पर ज़्यादा फोकस्ड होता है कि जो इंडिविजुअल्स हैं उनकी अपनी आइडेंटिटी उनका सेल्फ़ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है और वो अपने इंडिविजुअल ग्रोथ इंडिविजुअल डेवलपमेंट को सोसाइटी की नीड्स या सोसाइटी के रूल्स रेगुलेशंस से ऊपर रखते हैं और कहीं ना कहीं वो इंडिविजुअल के ऊपर ज़्यादा फोकस होता है वहाँ और जो कलेक्टिविस्ट कल्चर में ये चीज़ थोड़ी अलग होती है क्योंकि यहाँ पर जो कल्चर है वो सोसाइटी के हिसाब से रहने का और फैमिली और कलीग्स और तमाम जो हमारे सोशल नॉर्म्स हैं जो हमारे आस्पेक्ट्स हैं उनको फॉलो करना उनको रेस्पेक्ट करना ज़्यादा ज़रूरी माना जाता है अपने इंडिविजुअल जो हम कह सकते हैं डिज़ायर्स हैं या जो थॉट्स हैं उनके मुकाबले तो इस वजह से जो सपोर्ट सिस्टम है वो इंडिविजुअलिस्टिक सोसाइटी में कंपेयर टू कलेक्टिविस्ट सोसाइटी कम होता है यानी कि जो चूंकि यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट लोगों का कलेक्टिविस्ट कल्चर में जो इंडिविजुअल है वो बहुत ज़्यादा सपोर्टेड होता है चूँकि उसका जो जुड़ाव है वो अपनी सोसाइटी यानी कि अपने लोगों से अपने family, अपने अपनी फैमिली अपने कलीग्स अपनी आसपास का नेबरहुड और जो ओवरऑल उसका जो पूरा जो एक सोसाइटी है उससे जो उसका लगाव है या उससे जो उसका जुड़ाव है वो काफ़ी अधिक होता है तो ऐसे में कहीं ना कहीं कलेक्टिविस्ट कल्चर होने के नाते जो सपोर्ट सिस्टम है वो भी ज़्यादा होता है जबकि इंडिविजुअलिस्टिक कल्चर में ये चीज़ थोड़ी कम पाई जाती है तो ऐसे में ये भी एक आर्ग्यूमेंट है कि बिकॉज ऑफ़ दिस डिफरेंस जिस कल्चरल डिफरेंस की वजह से जो इंडिविजुअलिस्टिक जो इंडिविजुअलिस्टिक कल्चर है वहाँ पर मेंटल हेल्थ के जो केसेस हैं वो ज़्यादा रिपोर्ट किए जाते हैं ज़्यादा प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स के पास जा जाना पड़ता है जबकि जो कलेक्टिविस्ट कल्चर है वहाँ पर चूंकि ये सोशल सपोर्ट सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग है वहाँ पर लोगों को अपनी समस्याओं को कहीं ना कहीं उनसे लड़ने में उनसे कहीं ना कहीं उबरने में एक बहुत मदद मिलती है तो ये एक और पहलू है इस पर्सपेक्टिव को समझने का इसके बाद हम अपने अगले टॉपिक पर चलेंगे जो कि हमें ये समझना है कि जो मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं वो कौन कौन होते हैं या किस तरह के कार्य करते हैं तो इसमें मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स से संबंधित जो पहला जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है यानी कि जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले जो केस स्टडी भी आपको बताई थी वहाँ पर ज़्यादातर लोगों को ये कन्फ्यूज़न होता है कि वो अपनी समस्याओं को लेकर के डायरेक्टली किसके पास जाएं क्योंकि इस प्रकार की जो समस्याएं होती हैं उनको लेकर के बहुत सारे लोगों में उस लेवल का अवेयरनेस नहीं होता और वो ये नहीं जानते कि वो कहाँ जाएं किससे मिलें किसको अप्रोच करें और कहाँ जाने से उनको फ़ायदा होगा तो इस प्रकार के बहुत सारे प्रश्न उनके पास होते हैं और इस वजह से वो इस तरह की समस्याओं को लेकर के सबसे पहले अपने जो रूटीन डॉक्टर यानी जनरल फिजिशियन उनके पास वो पहुंचते हैं और जिनसे वो रेगुलरली अपनी सभी प्रकार की समस्याएं चाहे वो मेडिकल संबंधी हो या फिर वो किसी भी तरह की समस्या हो उसके लिए वो सबसे पहले जिनसे मिलते हैं वो हैं जनरल फिजिशियंस और उन डॉक्टर्स के पास वो जाते हैं और उसके बाद ये देखा गया है अक्सर कि ये जनरल फिजिशियंस उनको आगे रिकमेंड करते हैं डिपेंडिंग ऑन द केस डिपेंडिंग ऑन द सीवियरिटी डिपेंडिंग ऑन द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द केस और उसमें क्या रिक्वायर्ड है किस तरह का सजेशन उनको दिया जाना चाहिए ये उनके डॉक्टर्स जो कि उनसे ज़्यादा इस बारे में अवेयर होते हैं या उनके पास इसके बारे में ज़्यादा नॉलेज होता है वो उनको इसके बारे में आगे फर्दर एडवाइस करते हैं कुछ केसेज में ये भी देखा गया है कि जो जनरल फिजिशियंस हैं वो अपने पेशेंट्स को अगर वो बहुत ही हम कह सकते हैं कि उनको लगता है कि अभी इनको शुरुआत में कुछ पर्टिकुलर मेडिकेशंस, एंटी डिप्रेसेंट्स या इस तरह की कुछ शुरुआती मेडिकेशंस दी जा सकती हैं तो वो वहाँ पर वो भी प्रिस्क्राइब करते हैं और उसके साथ ही साथ वो उनको ये भी सजेस्ट करते हैं कि आप इसके बाद फर्दर आ, जो मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं उस फील्ड में इस पर्टिकुलर एक्सपर्ट के पास जा के या इनसे मिल करके आप अपनी समस्या को वहाँ रखिए तो इसके बाद जो एक महत्वपूर्ण मेंटल हेल्थ प्रोफेशन के क्षेत्र में जो मनोचिकित्सक का रोल होता है यानी कि साइकेट्रिस्ट और साइकेट्रिस्ट जो होते हैं वो मेडिकली ट्रेंड डॉक्टर्स होते हैं जो कि साइकोलॉजिकल हेल्थ यानी कि मेंटल हेल्थ से संबंधित भी वो एक्सपर्टीज रखते हैं और ऐसे में ये जो साइकेट्रिस्ट होते हैं ये मेडिसिन भी प्रिस्क्राइब कर सकते हैं और साथ ही साथ ये साइकोलॉजिकल जो फैक्टर्स हैं ये उनको भी समझते हैं और ये उन चीज़ों को भी ध्यान में रखते हुए ट्रीटमेंट या उससे रिलेटेड जो भी वहाँ पर एक्सपर्ट एडवाइस हो ये उसको सजेस्ट करते हैं यहाँ पर जो ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि दैट साइकेट्रिस्ट आर यूजली मोर इनक्लाइन टूवर्ड्स प्रिस्क्राइबिंग मेडिसिन यानी कि चूँकि वो उनका प्रोफेशन भी है और उनका एक्सपर्टीज भी है तो वो मेडिसिन की जो आ, कह सकते हैं कि इफ़ेक्टिविटी है उसको लेकर के उनका जो मानना है कि वो मेडिसिन को ज़्यादा प्रभावी रूप से प्रिस्क्राइब करते हैं और चूंकि उनका प्रोफेशन उनका एक्सपर्टीज उनको अलाउ भी करता है ये करने के लिए तो इसलिए साइकेट्रिस्ट जो होते हैं वो इस तरह से लोगों की ट्रीटमेंट को अप्रोच करते हैं इसके बाद जो अगला जो मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल के रूप में जो कार्य करते हैं वो हैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट और क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट को लेकर के अलग अलग देशों में अलग अलग जगहों पर इसकी अलग अलग हम कह सकते हैं अरेंजमेंट्स हैं जैसे कि कुछ देशों में क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट एक पर्टिकुलर ट्रेनिंग के बाद या एक पर्टिकुलर डिग्री करने के बाद वो कुछ मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर सकते हैं जबकि बहुत सारे देशों में क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट वो किसी भी तरह की कोई मेडिसिन प्रिस्क्राइब नहीं कर सकते वो केवल जो साइकोलॉजी रिलेटेड जो हम कह सकते हैं इंटरवेंशनस हैं ये केवल उनको दे सकते हैं या केवल उसको देने के लिए उनके पास परमिशन होता है या लाइसेंस होता है तो इस प्रकार की जो हम कह सकते हैं कि अलग अलग देशों के अनुसार वहाँ की जो अरेंजमेंट्स हैं वहाँ की जो कह सकते हैं सेटअप है उसके अनुसार जो क्लीनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं उनका रोल अलग अलग हो सकता है इसके बाद काउंसलर्स और काउंसलर्स यहाँ पर हम कह सकते हैं कि वो एक्सपर्ट्स होते हैं जो ज़्यादा डिपेंड करते हैं इस बातचीत पर कि जो क्लाइंट उनके पास आया है या जो व्यक्ति उनके पास समस्या लेकर आया है उसकी समस्याओं को सुनना यानी कि उसके साथ एक इंटरेक्शन करना और उसकी समस्याओं को उसके कह सकते हैं कि एक रूप से बाहर लाना यानी उसको ये स्पेस प्रोवाइड करना कि किस प्रकार से वो अपनी समस्याओं को उनके सामने रखे और उसके बाद उसको उसी वे में यानी कि बातचीत के ही माध्यम से थ्रू डायलॉग काउंसलर्स उनकी समस्याओं को सुनते भी हैं और सुलझाते भी हैं इसके बाद वी टॉक अबाउट साइकोथेरेपिस्ट और साइकोथेरेपिस्ट जो हैं वो एक प्रकार से साइकोलॉजी की फील्ड में जो अलग अलग साइकोथेरेपीज़ हैं उसमें वो एक्सपर्ट्स होते हैं यानी साइकोथेरेपी देने के लिए वो ट्रेंड होते हैं और वो उस क्षेत्र में एक्सपर्ट होते हैं और साइकोथेरेपिस्ट अक्सर किसी पर्टिकुलर साइकोलॉजिकल आस्पेक्ट में या जो साइकोथेरेपी है वो उसके एक्सपर्ट हो सकते हैं या वो एक कंबाइंड रूप से भी साइकोथेरेपी दे सकते हैं यानी कि उदाहरण के लिए अगर हम समझें तो अगर कोई साइकोथेरेपिस्ट है और उसका ज़्यादा इंक्लिनेशन साइको पर्सपेक्टिव परस्पेक्टिव की तरफ है तो इस तरह का जो एक्सपर्ट होंगे वो साइकोडायनामिक थेरेपी को करने में या अपने क्लाइंट को इस आ, तरीके से उसकी समस्या को अप्रोच करेंगे जबकि अगर कोई दूसरा साइकोथेरेपिस्ट है वो कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी यानी सीबीटी, वो इससे भी उनको अप्रोच कर सकते हैं तो इस तरह से जो अलग अलग पर्सपेक्टिव्स हैं अगर कोई और ऐसे साइकोथेरेपिस्ट हैं जो ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव से अपने क्लाइंट को ट्रीट करना चाहते हैं तो इस प्रकार के जो थेरेपिस्ट होंगे यानी पर्सपेक्टिव तो हम ये देख रहे हैं कि अलग अलग जो पर्सपेक्टिव्स हैं जो साइकोलॉजी में अवेलेबल हैं उसके अनुसार अलग अलग तरीके से जो एक्सपर्ट्स हैं या जो साइकोथेरेपिस्ट हैं वो उसमें किस पर्टिकुलर साइकोथेरेपी में एक्सपर्ट हैं या इनक्लाइंट हैं या उसको ज़्यादा वो इम्पोर्टेंस देते हैं तो ये डिपेंड करता है और इसके आधार पर जो उनकी स्ट्रेटजी होती है जो ट्रीटमेंट की या साइकोथेरेपी देने की वो भी कहीं ना कहीं थोड़ी अलग होती है एक दूसरे से और कई बार ये भी देखा गया है कि बहुत सारे जो एक्सपर्ट्स हैं जो साइकोथेरेपिस्ट हैं वो कंबाइंड थेरेपी यानी कि वो एक ऐसे अप्रोच की बात करते हैं जहाँ पर कि वो हर पर्सपेक्टिव से थोड़ा थोड़ा एज पर रिक्वायरमेंट एज द कॉन्टेक्स्ट अलाउज और जैसी उस पेशेंट की या इंडिविजुअल की डिमांड हो उसके अनुसार वो उस अप्रोच से वो चीज़ हायर करते हैं या उसका इस्तेमाल वो करते हैं तो एक कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच की भी अक्सर देखा गया है कि साइकोथेरेपिस्ट एक कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच को भी फॉलो करते हैं इसके अलावा ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट ये जो मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं जो ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट के तौर पर कार्य करते हैं उनका जो प्राइम एरिया है वो एट वर्क यानी कि जो इंडिविजुअल्स अपने कार्य से संबंधित उनको समस्याएं हैं चाहे वो बर्नआउट की समस्या हो चाहे वो फटीक की समस्या हो चाहे वो किसी भी तरह का जॉब डिससेटिस्फेक्शन हो और परफॉर्मेंस परफॉर्मेंस उनका जो जॉब परफॉर्मेंस है उससे संबंधित अगर कोई समस्या है जॉब में एडजस्टमेंट को लेकर के यदि कोई समस्या है तो इस तरह की जो ओवरऑल इनकी समस्याएं हैं जो ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट हैं वो पर्टिकुलरली वर्क रिलेटेड सिचुएशन में जो उनकी समस्याएं आ रही हैं वो उनको आ, हम कह सकते हैं कि आ, दूर करने के लिए या उसको कम करने के लिए प्रयास करते हैं या उस क्षेत्र में वो कार्य करते हैं इसके बाद सोशल वर्कर्स ये जो पर्टिकुलरली मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं इन्हें हम ये कह सकते हैं कि ये ज़रूरी नहीं है कि ये साइकोलॉजी की फ़ील्ड में या मेडिसिन की फील्ड में इनके पास कोई फॉर्मल डिग्री हो या किसी प्रकार की कोई फॉर्मल एजुकेशन हो या कोई फॉर्मल ट्रेनिंग हो परंतु ये लोग खुद से एक प्रकार से ये इस तरह की जो समस्या है ये इसको एक सोशल सर्विस के तौर पे करते हैं या फिर इनके पास जो एक्सपर्टीज़ है या जो नॉलेज है वो सोशल वर्क के फील्ड में होता है इसलिए ये लोग इस तरह की जितने भी केसेस होते हैं या इस तरह के जितनी भी समस्या से जूझ रहे लोग होते हैं ये उनकी हेल्प करने में इनका भी बहुत बड़ा योगदान होता है और यहाँ पर हमें ये भी समझना है कि केवल एक एक्सपर्ट्स के पास जब तक कोई व्यक्ति पहुँचेगा नहीं यानी कि जब तक जिसको समस्या है वो एक एक्सपर्ट को अप्रोच नहीं करेगा तो ऐसे में हमेशा उसको जो रिलीफ मिलना चाहिए उसमें देरी होगी और कहीं ना कहीं उसको उस समस्या से कंटिन्यूसली जूझना पड़ेगा तो ऐसे में जो सोशल वर्कर्स होते हैं वो हम कह सकते हैं कि एक फैसिलिटेटर के तौर पर भी कार्य करते हैं ताकि वो जो एफेक्टेड पर्सन है यानी कि वो व्यक्ति जो उस समस्या से जूझ रहा है या उसका परिवार उस समस्या से जूझ रहा है वो उनके संपर्क में आता है और वो उनको सही जगह पर यानी कि वो हॉस्पिटल सेटिंग भी हो सकती है क्लिनिकल सेटिंग भी हो सकती है किसी एक्सपर्ट के पास पहुंचाने का जो माध्यम बनते हैं वो ये सोशल वर्कर्स बनते हैं इसलिए ये भी मेंटल हेल्थ प्रोफेशन में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कंपोनेंट के तौर पे मौजूद हैं इसके बाद मेंटल हेल्थ सर्विसेज से संबंधित जो कुछ और इम्पॉर्टेंट बातें हैं वो मैं आपके सामने यहाँ पर उसकी चर्चा करूँगा उसमें पहली जो बात है दैट इज़ अबाउट आउट पेशेंट एंड हॉस्पिटल केस यानी कि जो इंडिविजुअल्स हैं उसमें ये देखा गया है कि कई बार उनकी केस की सीवियरिटी पे डिपेंड करते हुए यानी जो उनकी समस्या है वो किस स्तर की है और उनकी जो ओवरऑल फंक्शनिंग है वो किस स्तर पे प्रभावित हो रही है और कहीं ना कहीं अगर उनकी उस ओवरऑल प्रॉब्लम की वजह से किसी तरह का कोई खतरा हो चाहे वो खुद उस इंडिविजुअल को खुद से खतरा हो या उसकी फैमिली में किसी को या उसकी फैमिली को उससे खतरा हो या उसके वर्क प्लेस में या उसके संपर्क में आने वाले किसी भी व्यक्ति को अगर उस वजह से कोई खतरा हो तो ऐसे केसेस में इस तरह के इंडिविजुअल्स को अलग तरीके से ट्रीट किया जाता है या उनको अलग तरीके से हम कह सकते हैं कि उनका जो ओवरऑल जो सर्विसेज उनको दी जाती हैं उसको अलग तरीके से दिया जाता है और वो लोग जो केवल माइल्ड हम कह सकते हैं हेल्थ प्रॉब्लम से मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं उनके लिए एक अलग तरह का अरेंजमेंट है यानी कि जो आउट पेशेंट होंगे वो वो इस तरह के लोग होंगे जो ऐसी समस्याओं से जूझ रहे हैं जहाँ पर उनको हॉस्पिटल के अंदर रुकने की ज़रूरत नहीं है बल्कि वो एक्सपर्ट से मिलेंगे या अगर वो किसी पर्टिकुलर थेरेपिस्ट या काउंसलर से मिल रहे हैं तो वो अपना उस सेशन को अटेंड करेंगे और उसके बाद वो अपनी रूटीन लाइफ में वापस आ सकते हैं और वो समय समय पर जा के उस एक्सपर्ट से मिल सकते हैं उनसे एडवाइस ले सकते हैं उनसे थेरेपी ले सकते हैं तो इस प्रकार से जो आउट पेशेंट सिस्टम है उसमें व्यक्ति को वहाँ रखा नहीं जाता उसको केवल पर्टिकुलर समय पर चाहे वो साइकेट्रिस्ट के पास या किसी काउंसलर के पास उनको केवल उस पर्टिकुलर समय पर जाना होता है उनसे मिलना होता है प्रिस्क्रिप्शन लेना होता है या एडवाइस लेनी होती है तो उसके बाद वो वापस अपनी रूटीन लाइफ में आ जाते हैं जबकि जो पेशेंट हॉस्पिटल केस हैं ये ज़्यादातर सीवियर केसेस होते हैं जहाँ पर कि व्यक्ति अपनी नॉर्मल फंक्शनिंग में दिक्कत महसूस कर रहा है और उसकी वजह से कहीं ना कहीं कोई खतरा भी महसूस हो रहा है चाहे वो उस खुद को अपने उस इंडिविजुअल को अपने आप से वो खतरा हो या उस इंडिविजुअल से उसकी फैमिली मेम्बर्स को खतरा हो या किसी प्रकार की असुविधा हो और उसके जो आसपास जो लोग हैं यदि वो भी ऐसा महसूस करते हैं तो इस प्रकार के जो केसेस हैं यूजली उनको इन हॉस्पिटल ट्रीटमेंट दिया जाता है और उनको हॉस्पिटल में तब तक रखा जाता है जब तक कि ये सुनिश्चित ना कर लिया जाए कि वो अब वापस जा करके अपनी नॉर्मल रूटीन लाइफ में आ, हम कह सकते हैं फंक्शनिंग के लिए पूरी तरह से तैयार हैं इसके बाद जो मेंटल हेल्थ सर्विसेज हैं उनमें जो हम कह सकते हैं कि एक कैटेगराइजेशन है यानी उसका एक स्ट्रक्चर है उसमें अलग अलग जो रिक्वायरमेंट्स हैं कि कौन से सेगमेंट के लोगों को कौन अटेंड करेगा इस तरह की एक अरेंजमेंट है यानी कि जो पहला इसका जो सेगमेंट है दैट इज़ फॉर चिल्ड्रेन एंड यंग पीपल सर्विसेज अब हम यहाँ देखते हैं कि जो बच्चे हैं और जो यूथ है यानी कि स्पेसिफिकली अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे एडोलसेंट पॉपुलेशन की बात है यानी कि किशोरावस्था में जो लोग हैं उनकी बात यहाँ पर की जा रही है और जो बच्चे हैं या जो किशोर हैं उनकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनकी जो हम कह सकते हैं प्रॉब्लम्स की जो का जो नेचर है वो बाक़ी लोगों से बिल्कुल अलग होता है और उनको हैंडल करने का तरीका उनकी समस्याओं को समझना उनकी समस्याओं से डील करना ये बिल्कुल ही एक अलग तरह का एक हम कह सकते हैं एक्सपर्टीज़ है और इसलिए जो भी एक्सपर्ट्स इस पर्टिकुलर सर्विस में इन्वॉल्व हैं वो केवल चाइल्ड सर्विसेज या यंग पीपल सर्विसेज से ही वो इसी एरिया में ज़्यादा डील करते हैं तो यहाँ पर चूँकि उनके पास ये एक्सपर्टीज़ है कि चिल्ड्रेन हाउ टू डील विथ चिल्ड्रेन हु आर सफ़रिंग फ्रॉम मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स और यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट बात है जो ध्यान रखी जानी चाहिए और वो ये है कि इस प्रकार के जो बच्चे हैं उनको कहीं ना कहीं अपनी बात को बताने में भी समस्या आती है क्योंकि बच्चे जल्दी किसी पर ट्रस्ट नहीं करते और वो खुद इस बात से बहुत ज़्यादा अवेयर नहीं हो पाते कि जो समस्या है वो कहाँ से आ रही है और अगर हम इसके बारे में किसी को बताएं तो किस तरह से बताएं तो ये कुछ ऐसी समस्याएं हैं जिसकी वजह से ये जो सेगमेंट है ये बहुत ही हम कह सकते हैं एक क्रिटिकल और कॉम्प्लेक्स सेगमेंट है जहाँ पर मेंटल हेल्थ सर्विसेज देना बहुत ही एक कह सकते हैं एक एक्सपर्ट काम है और इसके लिए जो लोग डेडिकेटेड इस एरिया में काम कर रहे हैं वो ज़्यादा बेहतर तरीके से इस तरह के केसेस को डील करते हैं उसके बाद हम बात करते हैं वर्किंग एज एडल्ट की यानी कि ये वो सेगमेंट है पॉपुलेशन का जो वर्किंग है यानी कि जो कहीं ना कहीं अपने किसी ऑक्यूपेशन में इन्वॉल्व है जो किसी काम में इन्वॉल्व है और ये जो एज ग्रुप है ये यूजुअली यंग एडल्ट्स का होता है और हम कह सकते हैं कि 25 टू 50 या 55 तक के जो लोग होते हैं वो इस एज ग्रुप में आ सकते हैं और इस तरह के जो लोगों की जो समस्याएं होती हैं जो उसका नेचर होता है वो बड़ा ही अलग होता है क्योंकि इनकी जो ये ड्यूरेशन है इसमें उनकी लाइफ से जो उनकी एक्सपेक्टेशंस हैं वो बहुत हद तक एक जैसी होती हैं और उसमें चाहे वो उनके जॉब से संबंधित हो या फिर वो उनके ओवरऑल फैमिली रिलेशन से संबंधित हो तो इस प्रकार की या उनकी जॉब में हो रही किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स की वजह से ऐसा हो रहा हो तो इस तरह की जो उनको समस्याएं आती हैं तो ये इनका चूंकि नेचर एक पर्टिकुलर इस एज ग्रुप के जो लोग हैं उनकी समस्याओं का जो नेचर है वो ऐसा होने की वजह से उनको अलग तरह के जो एक्सपर्ट्स हैं जो इसी तरह की पॉपुलेशन को डील करते हैं उनके पास वो जाते हैं इसके बाद ओल्डर एडल्ट यानी कि ये वो पॉपुलेशन है जिसको कि मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स तो हो ही सकती हैं साथ ही साथ उनको बहुत सारी फ़िज़िकल प्रॉब्लम्स भी होती हैं और ऐसे में इनका केस और टिपिकल हो जाता है और यहाँ पर मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दूंगा कि किस तरीके से इस तरह के जो केसेस होते हैं उनके लिए जो मेंटल हेल्थ सर्विसेज होती हैं वो एक बिल्कुल ही अलग स्पेशलाइज्ड जो एक्सपर्ट्स होते हैं उनके द्वारा दी जाती हैं इसमें एक ओल्ड uh, एज के एक व्यक्ति हैं मैं एक केस आपके सामने डिस्कस कर रहा हूँ वहाँ पर उनकी फैमिली के जो लोग हैं यानी उनके बेटा बहू और उनके जो बच्चे हैं ग्रैंड हैं वो लोग सब लोग साथ में रहते हैं और ये जो बूढ़े व्यक्ति हैं ये इनको एल्जाइमर्स भी है यानी कि इनके पास मेमोरी जो है इनकी वो भी बहुत हद तक इनकी प्रभावित है और इसकी वजह से ये बहुत सारी रीसेंट जो घटनाएं हैं वो उनको नहीं याद रख पाते तो ऐसे में वो उनका जो बेटा है वो वर्किंग है वो अपने ऑफिस चला जाता है और घर में उनकी जो बहू है वो रहती है बच्चे स्कूल चले जाते हैं तो अक्सर ये जो बूढ़े व्यक्ति हैं ये अपने बेटे के घर आने के बाद ये शिकायत करते हैं कि बहू ने मुझे दूध पीने के लिए नहीं दिया और उसने मुझे इग्नोर किया या उसने मुझे खाना खाने के लिए नहीं दिया तो जब पहली बार उनके बच उनके लड़के को ये बात पता चलती है यानी उनका बेटा जब ये सुनता है तो उसे बड़ा ही ये सुनने के बाद बहुत दुख होता है और वो इस चीज़ की चर्चा अपनी पत्नी से करता है कि मेरे पिताजी ऐसी ऐसी शिकायत कर रहे थे तो इस बारे में मैं क्या करूं या आपका क्या कहना है तो उनकी पत्नी ने उसे बताया कि ये जो पिताजी कह रहे हैं ये पूरी तरह से निराधार है और मैं आपको ये यकीन दिलाती हूं कि मैं उनकी पूरी तरह से सेवा कर रही हूं और उनको जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनका मैं पूरी तरह से ध्यान रखती हूँ अब वो ऐसा क्यों कह रहे हैं ये मेरी समझ के बाहर है तो उसके बाद अब जो बेटा बहू हैं उनके मन में भी अपने पिता को लेकर के एक हम कह सकते हैं कि डिससेटिस्फेक्शन या उनको लेकर के एक इरिटेशन उनके मन में भी वहाँ उभरता है और बेटा उसके बाद खुद ये देखता है इंश्योर करता है कि क्या जो मेरी पत्नी कह रही है वो सही बात है तो ऐसे में वो वहाँ पर खुद उस दिन अपने पिता को ले जा के दूध की गिलास रखता है और वो उनको पीने के लिए कहता है और उसके बाद वो ऑफिस चला जाता है उसके बाद शाम में आकर के वो पिताजी से पूछता है कि क्या पिताजी आज आपने दूध पिया या नहीं पिया तो उसके पिताजी कहते हैं कि नहीं बेटा आज भी मैंने दूध नहीं पिया तो पहली बार उसको ये एहसास होता है कि उसके पिताजी को केवल जो समस्या है वो यहाँ पर किसी दूसरे नेचर की है यानी कि वो इसको भूल जा रहे हैं कि उनको दूध पिलाया गया था तो यहाँ पर इस तरह की भी बहुत सारी समस्याएं टिपिकल समस्याएं आती हैं और यहाँ पर इसके साथ ही साथ बूढ़े लोगों में इस एज ग्रुप में बहुत सारी उनको फिज़िकल एलिमेंट्स यानी उनके शारीरिक जो गिरावट आती है उनकी क्षमताओं में उनकी मेमोरी लॉस होता है और उसके साथ ही साथ उनका विजन लॉस हो या हियरिंग लॉस हो और इसी के वजह से उनके अंदर जो मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स भी बहुत हद तक कहीं ना कहीं आती हैं तो ये सभी एक अलग ही तरह का सेगमेंट है जिसमें जो पर्टिकुलर एक्सपर्ट्स इस फील्ड में जो अपना योगदान दे रहे हैं या जो इसमें कार्य कर रहे हैं वो इस तरह के पर्टिकुलर केसेस को एड्रेस करते हैं इसके बाद एक और सेगमेंट है दैट इज़ अबाउट चिल्ड्रेन एंड एडल्ट विद लर्निंग डिसेबिलिटी यानी कि वो बच्चे जो कि कहीं ना कहीं उनको लर्निंग से संबंधित समस्याएं हैं और इस प्रकार की जो समस्याएं हैं वो उस बच्चे के ओवरऑल डेवलपमेंट को कहीं ना कहीं प्रभावित करती हैं और यहां पर मैं आपको एक उदाहरण दूंगा और ये उदाहरण एक बहुत ही फेमस मूवी है जो तारे जमीन पर एक मूवी आई थी वहां पर इस चीज़ को दिखाने का प्रयास किया गया था कि किस तरह से एक बच्चा है जिसको लर्निंग डिसेबिलिटी है यानी वो चीज़ों को जब लिखता है डिसले, डिसलेक्सिया के कारण वो शब्दों को सही तरीके से बना नहीं पाता उनकी शेप को नहीं समझ पाता तो ऐसे में उस बच्चे की ओवरऑल जो एजुकेशन है वो अफेक्टेड होती है हालांकि मूवी में ये भी दिखाने का प्रयास किया गया कि उस बच्चे के पास एक स्पेशल एबिलिटी है और अगर उस पर ध्यान दिया जाए तो हम बच्चे की इस कमी को इग्नोर कर सकते हैं या उसको वो बच्चा ओवरकम कर सकता है परंतु रियल लाइफ में बहुत बार ये संभव नहीं होता कि कोई बच्चा या कोई व्यक्ति जिसके पास एक पर्टिकुलर कमी हो स्पेशली जब वो लर्निंग डिसेबिलिटी हो तो ज़रूरी नहीं है कि उसके पास कोई दूसरा विशेष उपहार या कोई दूसरी विशेष क्वालिटी होगी तो ऐसे केस में हम ये देखते हैं कि ऐसे केसेस में जो बच्चे हैं या इंडिविजुअल्स हैं उनको लाइफ लॉन्ग समस्याओं का सामना करना पड़ता है और न केवल अपने फैमिली के अंदर ही उनको कहीं ना कहीं ये देखा जाता है कि वो बेहतर ढंग से परफॉर्म नहीं कर रहे हैं या वो जानबूझ करके ऐसा काम कर रहे हैं या गलतियां कर रहे हैं बल्कि स्कूल के लेवल पर उनके अपने जो पीयर ग्रुप है यानी उनके जो साथ जो उनके क्लासमेट्स होते हैं और आगे चल कर के जो उनके आ, हम कह सकते हैं अगर वो एम्प्लॉयड होते हैं तो उनके जो वर्क कलीग्स होते हैं वो भी कहीं ना कहीं इन चीज़ों को समझने में हम कह सकते हैं कि असमर्थता दिखाते हैं और उनके साथ जिस तरीके से बर्ताव किया जाना चाहिए या उनके साथ जो हमें हम कह सकते हैं यहाँ सिंपेथेटिक कहना ठीक नहीं होगा बल्कि ये कहना चाहिए कि उनकी उस समस्या को समझते हुए उनके साथ प्रॉपर बिहेव हमें जो करना चाहिए कहीं ना कहीं उसकी लैकिंग होती है और इसके कारण से इस तरह के जो इंडिविजुअल्स हैं उनको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है तो ऐसे में जो इस तरह के इंडिविजुअल्स हैं जो लर्निंग डिसबिलिटीज से सफ़र करते हैं इस तरह के लोगों को या इस तरह के बच्चों को पर्टिकुलर इसी तरह के जो एक्सपर्ट्स हैं जो इस फील्ड में कार्य कर रहे हैं और उनको हेल्प आउट करते हैं ताकि वो इन कमियों से जितना हो सके वो नॉर्मल दिशा में या नॉर्मल जो लर्निंग कैपेसिटी है वो उसको गेन कर सकें हालांकि ये भी इसमें देखा गया है कि इसमें पूरी तरह से उनकी जो लर्निंग डिसेबिलिटी है उसको रिड्यूस नहीं किया जा सकता या उसको पूरी तरह से ख़त्म करके उनको नॉर्मल लेवल पर नहीं लाया जा सकता परंतु यहाँ पर ये ध्यान ये ध्यान देने वाली बात है कि उनकी इस लर्निंग डिसेबिलिटी के बावजूद उनको हम इस प्रकार की अरेंजमेंट या इस तरह की उनको ट्रेनिंग दे सकते हैं कि वो कम से कम अपनी लाइफ में ये इंश्योर करें कि उनकी जो बेसिक फंक्शनिंग है जो नॉर्मल फंक्शनिंग है जो उनकी खुद की अपनी देखभाल से संबंधित अपने आगे चल करके के अपने फ्यूचर करियर एम्प्लॉयमेंट से संबंधित वो एटलीस्ट कुछ बेसिक लेवल को वो अचीव कर सके तो ये भी एक बहुत बड़ी हम कह सकते हैं कि इस तरह की जो पॉपुलेशन है जो ऐसी समस्या से जूझ रही है उसके लिए इस प्रकार की जो सर्विस है वो बहुत ही क्रिटिकल और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है इसके बाद हम बात करते हैं ऐसे इंडिविजुअल्स की जो सब्सटेंस एब्यूज करते हैं यानी कि वो किसी ना किसी तरह का कोई नशीला पदार्थ या कोई ड्रग्स या वो अल्कोहल या वो इवन यूज ऑफ टोबैको तो इस तरह के भी बहुत सारे इंडिविजुअल केसेस आते हैं और यहाँ पर जो ध्यान देने वाली बात है और हम यहाँ पर अगर एक पर्टिकुलर केस की बात करें तो एल्कोहलिज़म की अगर हम बात करें तो एल्कोहलिज़्म एक बहुत बड़ी समस्या के तौर पर आ, समाज में देखा जाता है और कई बार इस तरह के जो लोग हैं जो एल्कोहलिज़म में इन्वॉल्व हैं या एडिक्ट हैं उनको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है चाहे वो उनकी अपनी हेल्थ रिलेटेड समस्याएं हों चाहे वो उनकी फैमिली के अंदर एडजस्टमेंट रिलेटेड समस्याएं हों चाहे वो उनकी फैमिली की जो ओवरऑल जो हम कह सकते हैं सोशो इकोनॉमिक स्टेटस या जो फैमिली का जो एन्वायरमेंट है वो सभी उनकी इस एक्टिविटी की वजह से नेगेटिवली प्रभावित होता है तो ऐसे में इस तरह की जो फैमिली में जो ये लोग होते हैं जो एडिक्ट होते हैं ये कहीं ना कहीं ये इन चीज़ों से जब छुटकारा पाना चाहते हैं या इन चीज़ों से ये बाहर निकलना चाहते हैं तो इन्हें बड़ी समस्या आती है और ये देखते हैं ये पाते हैं कि ये खुद को यानी उस कंडीशन से बाहर निकालने में असमर्थ है तो ऐसे में इन्हें एक्सपर्ट्स की सहायता लेने की अक्सर ज़रूरत पड़ती है और ऐसे में जो रिहैबिलिटेशन सेंटर्स हैं या ऐसे लोग हैं जो इस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं वो इनकी मदद कर सकते हैं या मदद करते भी हैं और जो इनको रूटीन नॉर्मल लाइफ में आने में या इनकी फैमिली में किस तरह से ये इन समस्याओं से अपनी एक एज अ होल फैमिली और एज ए इंडिविजुअल ये इन समस्याओं से बाहर आ सकते हैं इसके लिए भी वो इनकी हेल्प करते हैं तो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि इस तरह की भी जो सर्विसेज हैं वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण सेगमेंट है मेंटल हेल्थ सर्विसेज में इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट जो कैटेगरी है एंड दैट इज़ अबाउट ब्रेन इंजरी एंड न्यूरोलॉजिकल डिफेक्ट अब हम जो बात कर रहे हैं यहाँ पर जो व्यक्ति जिसको किसी भी तरह की कोई ब्रेन इंजरी हो जाए अब यहाँ पर मैं आपके सामने एक छोटा सा उदाहरण प्रस्तुत करूँगा कि जैसे कोई व्यक्ति है वो फुली फंक्शनल व्यक्ति है एक बहुत ही हम कह सकते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में जब हम बात करते हैं तो एक स्मार्ट व्यक्ति है यानी वो अपने सारे काम बहुत अच्छे से करता है वो सभी चीज़ें जो काम जो टारगेट उसको दिए जाते हैं वो बहुत ही अच्छे से पूरा करता है और बहुत ज़्यादा लोगों से बहुत ज़्यादा लोग उसको परिवार के अंदर भी बाहर भी उसके वर्क प्लेस में भी हर जगह लोग उसको पसंद करते हैं तो इस प्रकार की वो एक बहुत ही अच्छी एक नॉर्मल लाइफ जी रहा है और ऐसे में यदि वो व्यक्ति जो कि फुली इंडिपेंडेंट है और अपनी उसकी एक खुद की पहचान है ऐसा व्यक्ति जब किसी भी प्रकार की सपोज़ सब, उसको कोई ब्रेन इंजरी हो जाती है वो किसी एक्सीडेंट की वजह से हो सकती है वो किसी केमिकल के एक्सपोजर की वजह से हो सकती है वो किसी पॉइजनल पॉइजनस सब्सटेंस के एक्सपोजर की वजह से हो सकती है तो इसके बहुत सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से ब्रेन इंजरी हो सकती है तो ऐसे केस में वो इंडिविजुअल, उसका जो आगे लाइफ होगी क्योंकि वो अभी तक उसको आदत थी खुद सेल्फ इंडिपेंडेंट रहने की अपने चीज़ें खुद करने की और उसकी अपनी एक सेल्फ रिस्पेक्ट एक पहचान है और उसके फैमिली मेंबर्स इसके पहले उसे एडमायर करते थे तो अब ऐसे में आने के बाद इस तरह की कंडीशन होने के बाद वो व्यक्ति कहीं ना कहीं ये महसूस कर सकता है उसके अंदर ये विचार आ सकता है कि अब मेरी लाइफ पहले जैसी नहीं रही अब मेरे अंदर वो कैपेसिटी नहीं है अब मेरे अंदर वो जो मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट थी वो वैसी नहीं रह गई अब मैं दूसरों पर निर्भर हूँ तो इस तरह के थॉट्स ऐसे लोगों में अक्सर आ जाते हैं जो असहाय महसूस करते हैं या फिर किसी न किसी तरीके से वो खुद को बहुत बेचारा महसूस करते हैं तो ऐसे में उनकी जो ओवरऑल जो ये प्रॉब्लम्स हैं ये कहीं ना कहीं मेंटल हेल्थ सर्विसेज के द्वारा इन समस्याओं को बहुत हद तक कम किया जा सकता है या दूर किया जा सकता है तो इस प्रकार के भी जो केसेस हैं उनको भी मेंटल हेल्थ सर्विसेज के द्वारा इस तरह के लोगों की समस्याओं को भी निवारण करने का प्रयास किया जाता है तो यहाँ पर हमने आज अपने सत्र में ये देखने का प्रयास किया कि क्लिनिकल साइकोलॉजी मनोविज्ञान के एक क्षेत्र के रूप में किस प्रकार से कार्य कर रहा है इसमें जो एक्सपर्ट्स हैं वो किस प्रकार से लोगों की सर्विस करते हैं यानी उनको किस प्रकार से वो हेल्प करते हैं और किस किस क्षेत्रों में अलग अलग तरीके के जो सेगमेंट्स हैं पॉपुलेशन के उनको वो किस तरह से उनकी प्रॉब्लम्स को कैटर करते हैं उनको एक बेहतर ज़िंदगी जीने के लिए और उनके पास एक फ्रूटफुल लाइफ एक फुलफिलिंग लाइफ और एक फंक्शनिंग लाइफ उनको देने में किस प्रकार से योगदान देते हैं इन सभी बातों पर हमने आज अपने इस सत्र में चर्चा की और हम अपने अगले सत्र में अपनी इस इसी कोर्स टाइटल यानी अप्लाइड साइकोलॉजी का लेक्चर नंबर टेन की चर्चा करेंगे अपने अगले सत्र में और उसके लिए मैं आज अपने इस सत्र की समाप्ति पर आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद